बाढ़ के लिए पानी निकासी के लिए जगह जगह पंप लगा रहे हैं, कई जगह नहरों में गिर रहे हैं। यहाँ जो मौका है, यहाँ साथ लगते जो खेत बचे हुए थे उनमें पानी आ रहा है जो बचाए गए थे बाईपास से करें। लेकिन मौजूदा हालात में ये है, इनको बात हमने बताई है कि जो पुराने फ्लड आए हैं जब भी पानी हमारे को भी मार कर गया है, तो यहाँ 10 किले पे दूरी पे फतेहाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी बिल्कुल खाली पड़ी है, डेड पड़ी है। उसको यूज़ करके ही हमेशा पानी निकाला गया है, जो कि खरेती रोड के पास जाके सारी टेल है उसकी, और वहाँ खेतों को बहुत सख्त ज़रूरत है इस समय पानी की। अब भी यही कहा है कि 10 एकड़ की खुदाई है, 10 एकड़ की खुदाई करके 2 पंप लगा के आप इसको ड्रेन में डाल दें, जो एरिया बचा है और शहर के पास गंदा पानी जाने से रोके, इसके लिए मेहनत की है सारी, आप उसी पे पानी फेर रहे हो अपनी। तो कितने कितनी एकड़ ज़मीन और कितने रिहायशी एरिया इस इलाके से प्रभावित हो गए? इसमें वही का वही जो शहर के बचाने के लिए कोशिश की थी उसी के नज़दीक जा रहा है पानी, और वही सारा एरिया बाई चांस 500-100 एकड़ बच रहा है शहर के साथ, जिससे अभी तो आई फ्लू का प्रकोप कम है, इसके बाद तो बीमारी और आई फ्लू का प्रकोप शहर में बढ़ने वाला है। अधिकारी क्या कह रहे हैं आपकी बातचीत हुई है? उन्होंने आश्वासन तो यही दिया, हमारा मकसद तो है पानी निकालना और हम मौका आगे देख रहे हैं, हम उनके इंतजार में जा रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शरद पत्रा। जो जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ का जो पानी रुका हुआ था उसको निकालने के लिए क्या इंजाम किए गए और आप किस तरीके यहाँ विरोध दर्ज करवा रहे हैं जी? प्रशासन बाढ़ के लिए पानी निकासी के लिए जगह जगह पंप लगा रहे हैं, कई जगह नहरों में गिर रहे हैं। यहाँ जो मौका है, यहाँ साथ लगते जो खेत बचे हुए थे उनमें पानी आ रहा है जो बचाए गए थे बाईपास से करें। लेकिन मौजूदा हालात में ये है, इनको बात हमने बताई है कि जो पुराने फ्लड आए हैं जब भी पानी हमारे को भी मार कर गया है, तो यहाँ 10 किले पे दूरी पे फतेहाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी बिल्कुल खाली पड़ी है, डेड पड़ी है। उसको यूज़ करके ही हमेशा पानी निकाला गया है, जो कि खरेती रोड के पास जाके सारी टेल है उसकी, और वहाँ खेतों को बहुत सख्त ज़रूरत है इस समय पानी की। अब भी यही कहा है कि 10 एकड़ की खुदाई है, 10 एकड़ की खुदाई करके 2 पंप लगा के आप इसको ड्रेन में डाल दें, जो एरिया बचा है और शहर के पास गंदा पानी जाने से रोके, इसके लिए मेहनत की है सारी, आप उसी पे पानी फेर रहे हो अपनी। तो कितने कितनी एकड़ ज़मीन और कितने रिहायशी एरिया इस इलाके से प्रभावित हो गए? इसमें वही का वही जो शहर के बचाने के लिए कोशिश की थी उसी के नज़दीक जा रहा है पानी, और वही सारा एरिया बाई चांस 500-100 एकड़ बच रहा है शहर के साथ, जिससे अभी तो आई फ्लू का प्रकोप कम है, इसके बाद तो बीमारी और आई फ्लू का प्रकोप शहर में बढ़ने वाला है। अधिकारी क्या कह रहे हैं जी आपकी बातचीत हुई है? उन्होंने आश्वासन तो यही दिया, हमारा मकसद तो है पानी निकालना और हम मौका आगे देख रहे हैं, हम उनके इंतजार में जा रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शरद पत्रा, मैं यहाँ का फार्मर हूँ। ठीक है, धन्यवाद जी। जो जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ का जो पानी रुका हुआ था उसको निकालने के लिए क्या इंजाम किए गए और आप किस तरीके यहाँ विरोध दर्ज करवा रहे हैं जी? प्रशासन बाढ़ के लिए पानी निकासी के लिए जगह जगह पंप लगा रहे हैं, कई जगह नहरों में गिर रहे हैं। यहाँ जो मौका है, यहाँ साथ लगते जो खेत बचे हुए थे उनमें पानी आ रहा है जो बचाए गए थे बाईपास से करें। लेकिन मौजूदा हालात में ये है, इनको बात हमने बताई है कि जो पुराने फ्लड आए हैं जब भी पानी हमारे को भी मार कर गया है, तो यहाँ 10 किले पे दूरी पे फतेहाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी बिल्कुल खाली पड़ी है, डेड पड़ी है। उसको यूज़ करके ही हमेशा पानी निकाला गया है, जो कि खरेती रोड के पास जाके सारी टेल है उसकी, और वहाँ खेतों को बहुत सख्त ज़रूरत है इस समय पानी की। अब भी यही कहा है कि 10 एकड़ की खुदाई है, 10 एकड़ की खुदाई करके 2 पंप लगा के आप इसको ड्रेन में डाल दें, जो एरिया बचा है और शहर के पास गंदा पानी जाने से रोके, इसके लिए मेहनत की है सारी, आप उसी पे पानी फेर रहे हो अपनी। तो कितने कितनी एकड़ ज़मीन और कितने रिहायशी एरिया इस इलाके से प्रभावित हो गए? इसमें वही का वही जो शहर के बचाने के लिए कोशिश की थी उसी के नज़दीक जा रहा है पानी, और वही सारा एरिया बाई चांस 500-100 एकड़ बच रहा है शहर के साथ, जिससे अभी तो आई फ्लू का प्रकोप कम है, इसके बाद तो बीमारी और आई फ्लू का प्रकोप शहर में बढ़ने वाला है। अधिकारी क्या कह रहे हैं जी आपकी बातचीत हुई है? उन्होंने आश्वासन तो यही दिया, हमारा मकसद तो है पानी निकालना और हम मौका आगे देख रहे हैं, हम उनके इंतजार में जा रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शरद पत्रा, मैं यहाँ का फार्मर हूँ। ठीक है, धन्यवाद।